सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियो 06 एंड सो आज मैं वापस से लेके आई हूँ आप लोगों के साथ और एक गेट रेडी विथ मी, मतलब मैं बस गेट रेडी विथ मी वीडियो ही डाल रही हूँ। मैंने कल ही डाला, मैंने आज भी डाल दिया, ये फोर्थ वीडियो मेरा। तो मैं आउटफिट पहन लेती, उसके बाद मिलती हूँ। तो मैंने अपने आउटफिट पहन लिए, एक्चुअली मैंने शाबन कर ली थी और मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि मैं जा रही हूँ अपने नानी के घर। तो अभी पहले मेकअप का सामान लेके आती हूँ। तो मैं मेकअप का सामान लेके आ गई हूँ। एक्चुअली मैंने अब थोड़ी देर पहले ही मेकअप किया था, मुझे किधर की जाना था इसलिए छोटा सा काम था, इसलिए मैंने पहले ही मेकअप किया है ऑलरेडी। सेरम लगी, पाउडर लगाया, अभी बस मैं टचअप कर रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा जो कॉम्पैक्ट है वो उससे मुझे कुछ एलर्जी सा हो रहा है, तो मैं ये कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ, ये वाला जो मुझे से हो रहा है। और ये थोड़ा टूटा फूटा है, बट कोई बात नहीं है, बट अभी के लिए मैं यही यूज़ कर रही हूँ। अभी कुछ दिनों में मैं नया ले लूँगी, तो पहले कॉम्पैक्ट में ब्लेंड कर लेती हूँ, अभी लगा लेती हूँ। तो अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। सो आई थिंक मुझे अपने चैनल का नाम रेडी 06 रखना चाहिए, गेट रेडी विथ मी ब्लॉग्स करके रख देना चाहिए, क्योंकि इतने गेट रेडी विथ मी वीडियोस बना रही हूँ ना मैं, मुझे ही नहीं पता। मैंने ब्लेंड कर लिया है थोड़ा सा, यस कुछ कम कुछ टिकल उतल लगाती ना, डांट खा रही हूँ गोलखपुर की चुटकी ब्लेंड कर रही हूँ। मामा पोड़ लो, मैं आ रही हूँ। नानी के जरे ना इतना जल्दी रेडी हो जा रहा है। तो हो गया, अभी बस लाइट से मैं थोड़ा ये वैसलीन लगा के तारीख से किसी को भी बनाना, ओके पता है ना क्या सीक्रेट हमने क्या किया था, अगर किसी को नहीं पता है जिसने मेडिकल की वीडियो नहीं देखी जान के देखो, और आप लोगों को पता चल जाएगा वो सीक्रेट क्या था। पाउडर थोड़ा कम हो गया है, आपको वीडियो में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन एकदम मैंने लाइट पाउडर लगा ली और थोड़ा लगा लेती हूँ। सो हो गया मेरा मेकअप, आज मैंने एकदम मतलब मैं एकदम नॉर्मल ही करती हूँ, जैसे ऑलवेज करती हूँ, मैं एकदम की मतलब
जैसे शादी में ये फाउंडेशन प्राइमर लगाती हूँ, बाकी सब दिन तो मेरा नॉर्मल होता है फेयर एंड लवली कॉम्पैक्ट वगैरह। तो मैं सोच रही हूँ फिर काजल भी लगा लो। चलो काजल तो फोन पे देख के लगा दे, होएगा नहीं भाई, मिरर भी कितना पड़ेगा। और वो ये छोटे मिरर में पूछ रहे थे कि क्या करती हूँ, मैं बड़े मिरर में जाती हूँ और उसे लगा लेती हूँ, उसके बाद पूछती हूँ। ओके तो गर्ल्स जैसे मैंने काजल लगा लिया, जैसे कि मैं आपको बता दूँ मेरी आइज थोड़ी सी, तो थोड़ा सा भी कुछ अंदर डाल दूँ तो आँख में पानी आ जाता है, और अभी फिर आँख में पानी आना शुरू हो गया है, और मेरा मेरा कॉम्पैक्ट जो है उतरने लग रहा है। बट मैंने रुक दिया है, मैं रो नहीं रही हूँ, बस फिर आगे आ गया। उसके साथ मैंने हेयर वॉश किए हैं, पहले मेरे बाल बहुत छोटे थे, मैंने ये लंबे किए हैं, आपको पता है इतने से थे मेरे बाल, इतने किए हमने, इससे भी छोटे थे भैया जी, इससे बेबी कट था मेरा, तो कैसे लगी सच्ची आज भी चल गया। बट मेरे मम्मी पापा मेरी जान मिल गई अगर मैं वैसे खुले बाल करती हूँ तो मैं पोटी डाल लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ, या फिर आपको भी दिखाऊँ। मैं मम्मी को भी डाली फिर आपको भी दिखाई देती हूँ, मम्मी को कह देती हूँ पोटी डालो, मम्मा 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 पोनी डाल दो ना प्लीज। तो अभी मम्मा को कह रही हूँ कि पोनी डाल दो, और मम्मा ये काम में बिजी है, और मैं इधर वेट करते हुए टिक टक 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 मेरा टीज झड़ गया। मम्मी कभी लाइट डालती है, कभी ऑफ करती है, दिमाग का भकंडर बना रखा है। भकंडर वो क्या होता है, क्या बता, गुस्से में कुछ भी बक दीजिए। मम्मी का वेट करने के मम्मी मुझे पोनी डालेगी, मम्मा पोनी डाल दो ना, अगर पैसा जो तो आपके सब एकदम बकवास लग रही है, ऐसी अभी अच्छी लग रही है। मैं मम्मी को आधे घंटे से बोल के बैठी हूँ कि चोटी डालो पोनी डालो पोनी डालो, लेकिन नहीं, मम्मी तो अपने काम में ही बिजी है। अरे लाइट आना पाना पाना मत करो बाबा, और इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। मतलब बिग बॉस 17 की जो मनाया है उसमें एक, उसमें वो मीठा वो मत कर, उसमें जो मीठा वो कुछ ये हुआ था ना, मम्मा मुझे पता नहीं था मम्मा लबर की जरूरत है, अभी मेरे को नहीं पता किधर है भटंगा, फिर से भटंगा। सो गाइस तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि एकदम से जो मैं वीडियो बना रही थी तो उसका टाइम लिमिट हो गया, इसलिए मैंने इन शॉर्ट में इसको एडिट करके मर्ज कर दिया है। तो चलो शुरू करते हैं। मामा तो कट करी तो सो जल्दी से डाल दूँ,
मम्मी ने बर्फी बना दी। मम्मा बाल आ रहे हैं, फैन ऑफ कर दो थोड़ा। और इसे मेरा ऑलमोस्ट हैव अ सेकंड मोमेंट। तो ये है मेरा आउटफिट। कैसी लग रही हो कमेंट्स में बताना जल्दी से। सो अभी मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, लव यू।